गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम मोहम्मद फैजान अलवी। यू गाइज आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अलवी स्पेस। सो गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। राइट नाउ इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग और आज है संडे, तो सुबह सुबह मेरी सवारी निकल चुकी है संडे ब्रेकफास्ट राइड पर। एंड आज की जो राइड है वो कोई नॉर्मल ब्रेकफास्ट राइड नहीं है, बल्कि एक स्पेशल राइड है फॉर अ रीज़न। एंड रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे रास्ते में, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है राजघाट, वहाँ मैं अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गया हूँ। बस हमारा ठीक 5:30 बजे मीटअप पॉइंट था राजघाट, एंड अभी 5:30 ही हो रहे हैं, तो टुडे आई एम ऑन टाइम बाय चांस। तो बस अप्रॉक्सीमेटली मैं पहुँचने वाला हूँ और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स आर सेकेंड मीटिंग पॉइंट, जो कि है एम्बियंस मॉल। तो आप लोगों से अब डायरेक्टली मैं मीटिंग पॉइंट पर मिलता हूँ। सो आगे आप लोगों को दिख रहे होंगे हमारे ग्रुप मेंबर्स, लेकिन अभी सारे लोग नहीं आए हैं, शायद 2-3 बाइक्स ही दिख रही हैं। हाँ अभी एक भाई आ गए, तो अभी सारे लोग नहीं आए हैं। सो गाइज राइट नाउ इट्स 6 इन द मॉर्निंग एंड अभी हम हैं सरायकाले खां पर। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज की राइड एक यूजुअल ब्रेकफास्ट राइड नहीं है, बल्कि एक स्पेशल रीज़न की वजह से ऑर्गेनाइज करी गई है, और वो रीज़न है टू ऑनर आर हीरोज़। एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना यार कि ये मैं क्या बोल गया, अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली ये राइड ऑर्गेनाइज करी है TAV ग्रुप ने, यानी कि द एडवेंचरस वॉयेजर्स ग्रुप ने, टू ऑनर ऑल दोस ग्रुप मेंबर्स हु हैव हेल्प्ड द पीपल और आर सोसाइटी इन एनी वे पॉसिबल। एक वोटिंग हुई थी एंड उसमें 8-10 लोग चूज़ किए गए हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मतलब यार मैं तो बस सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमारे ग्रुप में लिटरली कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है दूसरे लोगों की ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। मतलब रात को 3-4 बजे भी ग्रुप में मैसेज आता था कि यार वी नीड ऑक्सीजन सिलेंडर या हमें ये दवाई की ज़रूरत है। तो कुछ लोग ऐसे हमारे ग्रुप में वो रात को 3-4 बजे भी वो चीज़ें अरेंज करके देते थे उन्हें, और उनके घर जाके डिलीवर करके आते थे रात को 4-5 बजे। सो इसी सेल्फलेस नेचर को ऑनर करने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए, फ्यूचर में ऐसे ही काम करते रहने के लिए TAV ग्रुप ने ये राइड ऑर्गेनाइज करी है और सभी ग्रुप मेंबर्स को इनवाइट किया है, जिसमें से ओन स्पेशल 8-10 लोगों को नेम दिया गया है हीरोज़, और राइड का मोटो है टू ऑनर आर हीरोज़। सो बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है आज की राइड में, लाइक केक कटिंग सेरेमनी, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू आर हीरोज़ एंड और भी बहुत कुछ, जो कि आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्टली सेकेंड मीटिंग पॉइंट पर। सो गाइज राइट नाउ इट्स 6:45 इन द मॉर्निंग और हम पहुँच चुके हैं अभी गुड़गांव में, जहाँ पे हमारा सेकेंड मीटिंग पॉइंट था। एज यू गाइज कैन सी, ये मेरे लेफ्ट पे है गुड़गांव, आप लोग पहचाने गए होंगे। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड मीटिंग पॉइंट था TAV ग्रुप के साथ, हालांकि मैं आया PDM ग्रुप के साथ हूँ, और यहाँ पे हमारा TAV ग्रुप के साथ मीटअप था और मैं दोनों ही ग्रुप का मेंबर्स हूँ वैसे। तो फाइनली आज दोनों ग्रुप्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिली गए हैं मेरी आंखों के सामने, एंड स्टिल मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। उन्हीं का यहाँ पे वेट किया जा रहा है कि सब लोग एक बार आ जाएं, तो थोड़ी गाइड करा जाएगा कि किस तरीके से राइड करनी है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड जितनी भी ये बाइक्स हैं ये सारी ही हमारे ग्रुप की हैं, और ये सारे ही लोग आज हमारे साथ राइड पर ज्वाइन करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, काफी टाइम बाद राइड कर रहे हैं आज, सब खुश है? बहुत बढ़िया। पेट्रोल टैंक भाई, सबने पेट्रोल डलवा लिया, हवा डलवा ली है। कोई भाई है जिसको पेट्रोल डलवाना तो अभी बता दो। सर लीड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वाला कौन कौन है? तो पहली बार आया है, कोई नहीं है ना, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। फोटोग्राफर इधर उधर दिख रहा है, इसको कोई नहीं है, वो करेगा नोटिस, अपना काम करने दो। जयत भाई की फोटो के चक्कर में प्लीज एकदम से स्टॉपी स्टंट कुछ मत करना, और जरा तुमने स्टॉपी लगाई तुम्हारी वजह से कोई पीछे घुस गया। एक इम्पोर्टेंट चीज और, अगर कोई भी रेड लाइट रास्ते में आती है तो हम रेड लाइट पे इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि एक के पीछे एक ही खड़े होंगे, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, किसी को परेशानी हमारी वजह से ना हो। किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? अनुज जी आप दे दीजिए। भाई मैं अनुज नहीं हूँ, अनुज नहीं आया अभी तक, वो लेट है, आप वाला राइडर हो गया है। आप सीधा आए, प्लीज।
चले चलिए कॉन्फर्मेशन कर लीजिए सिंगल मॉर्निंग। सो गाइज राइट नाउ इट्स 8 इन द मॉर्निंग और हम पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट पे जो कि है पिट स्पॉट इन फरीदाबाद। तो बेसिकली काफ़ी जल्दी पहुंच गए, मेरी जो थिंकिंग थी कि 8:30 या 9 बज जाएंगे पहुंचने में, लेकिन हम आधे घंटे पहले ही पहुंच गए। एंड ये आपको जितनी बाइक दिखी हैं ये सारे हमारे ही ग्रुप्स की बाइक हैं, पूरा लाइनअप, ये पूरा लाइनअप। भाई पेट्रोल पंप नहीं रुके, यहाँ पे पीछे पिट स्पॉट कैफे हैं, यहाँ रुके हैं। कहीं आप लोग कमेंट करना शुरू कर दो भाई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे मतलब यार आप लोग कुछ भी कमेंट करते तो काफ़ी फनी फनी से, और बेसिकली यूट्यूबर्स जो है उनका मजाक बन जाता है कमेंट सेक्शन में, तो मुझे इसका टारगेट बनाना तो आज की राइड जो है ना काफ़ी स्पेशल राइड है। बेसिकली आज की राइड का जो मोटिव है वो है टू ऑनर आर हीरोज। अब इसका मतलब क्या है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ऑनर आर हीरोज मतलब कि क्या है, कुछ ऐसे हमारे ग्रुप में लोग हैं जो बेसिकली कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे जब लॉकडाउन था पूरे दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, उस टाइम पे काफ़ी हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तरीके से मतलब काफ़ी लोगों की हेल्प करी, और जैसे अपने किसी को फूड प्रोवाइड किया जिनके पास फूड नहीं था या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था वो प्रोवाइड किए, तो अपने तरीके से काफ़ी हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी लोगों की। तो बेसिकली ऐसे हमारे ग्रुप में 7 लोग थे इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे हटा के 6 लोग थे और मुझे मिला के 7, तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए आज ये राइड पूरी ऑर्गेनाइज करी गई है। और बेसिकली केक कटिंग सेरेमनी एंड ऑल है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बातें पूछेंगे हमसे और जानेंगे कि हमने कैसे लोगों की हेल्प करी। तो यही सीन है, इस वजह से ये राइड ऑर्गेनाइज करी गई है टू ऑनर आर हीरोज। हीरोज मतलब कि वो 7 लोग जिन्होंने कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे लोगों की मदद करी अपने तरीके से जैसे भी ऊपर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने गरीबों में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था और ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था खाना जो कि कोरोना पॉजिटिव है। मतलब कि मैं करता क्या था कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड और किसी को अगर चाहिए तो मुझे मतलब इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो भी कोरोना पॉजिटिव है मैं उनके घर पर डिलीवरी कर दूंगा और वो भी होम कुक्ड फूड की। सो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल भी करी, फिर मैंने उनके घर पे खाना डिलीवर भी किया। सो बेसिकली मैं करता क्या था, मैं उनका एड्रेस ले लेता था और उनके गेट के बाहर मैं लंच रख के चले जाता था, मतलब पॉलीथीन के अंदर पैक करके पूरा, तो मैं उन्हें बता देता था कि मैंने आपके घर के बाहर रख दिया और आप आके उठा के ले जा सकते हैं अंदर, बिकॉज मैं उनके हाथ में डिलीवर नहीं करता था वरना यार मैं भी पॉजिटिव हो जाता। सो बेसिकली सारे प्रिकॉशंस लेके और सारे सेफ्टी मेजर्स लेके मैं ऐसे फूड डिलीवर करता था, और मेरे साथ ऐसे 3 मेरे दोस्त और थे जो कि मेरी इस काम में हेल्प करते थे। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आसपास ही जो एरिया मतलब विद इन 1 किलोमीटर वहाँ पे मैंने डिलीवर करना स्टार्ट करा फूड लोगों की हेल्प करने के लिए, बिकॉज काफ़ी कॉल्स आ रहे थे और ऐसे लोगों में डिलीवर करा जिनका पूरा घर कोरोना पॉजिटिव था और उनके घर में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो बाहर जाके खाना ला सके या अपने घर में उनकी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर में खाना कुक कर सके। तो मैंने ऐसे लोगों को फूड डिलीवर किया पूरे लॉकडाउन के टाइम पे, सेकंड लॉकडाउन में। फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने क्या किया था, मैंने मतलब थोड़े कैश के हिसाब से थोड़ी मदद ज़्यादा करी थी लोगों की फर्स्ट लॉकडाउन में, और सेकंड लॉकडाउन में खाना डिस्ट्रीब्यूट करके मदद करी। मतलब यार ये बताना ही चाहिए, मैंने आज से पहले कभी आपको अपने ब्लॉग में बताया भी नहीं है और ना मैंने कभी इस चीज़ की स्टोरी अपलोड करी इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब पर कभी नहीं दिखाया। आज इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आज ये राइड ही इसी वजह से ऑर्गेनाइज हुई है, इसका एम ये है टू ऑनर आर हीरोज, इस वजह से मैं आपको ये पूरी रीज़न बता रहा हूँ। मतलब कमेंट में ये मत शुरू कर देना यार शो ऑफ कर रहा है बता रहा है, मतलब मेरा कोई ऐसा एम नहीं है,
ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी नहीं बता रहा कि मैंने कितने लोगों की हेल्प करी या कैसे करी। एक मैंने आपको छोटा सा जो मुझसे हो सकता था कि यार घर में खाना बन रहा है अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो मैंने उस तरीके से हेल्प करी, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सब तो आप भी कर सकते हो। आपके घर में खाना बन रहा है अगर आप दो आदमी को खाना अपने घर में से निकाल भी दोगे, हमें लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। और जो हमें पुण्य है सवाब है वो हमें और अलग से मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो अभी तो ये सीन है, अंदर ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया गया है और अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पे है तो सीन काफ़ी अच्छा रोड है और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो अभी ये सीन है और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करके। Let's clap for our heroes first. Yeah. Yeah. How's the Josh? Hi sir. क्या इनकी गाड़ी में नहीं चला दवाइयाँ खाने पीने का सामान से लेके अर्थियाँ तक, ठीक है, इस कोविड पीरियड में क्या इनकी गाड़ी में नहीं चला? बहुत बढ़िया बात, ग्रेट शीतल भाई, आई एम रिप्रेजेंटिंग यार, आई एम ऑनर्ड रिप्रेजेंटिंग हिम। और इनके दो शब्द की रिप्रेजेंट लांबा जी, आयरन बट राइडर, यस ही इज अ बर्डी, ही इज एक्चुअल बर्ड, आयरन बट राइडर, आयरन बट राइडर। अपना नाम मत ढूंढो फैजान भाई। भाई इसके बारे में बताइए, कब के बारे में, कब के बारे में बताओ क्या कैसा लगा, कैसा लगा? आपने इतने प्यार से यहाँ बुलाया यही बहुत है, ना मैं लीडर हूँ ना मैं एक्सपर्ट। अरे नहीं सर, क्या बात, ये तो बस आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है कि हम सब यहाँ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। मेट्रो पिलर फूडी सर, ये करेक्ट है, करेक्ट है, अगर है तो हम है सर। आधा क्लिप आपकी बताई हुई जगह पे जाता है, सब टाइटल वाइटल उसने सारा रेडी सर, आपने वर्ड्स तक तो ये अक्षय के लिए भी एक क्लैप कर दो, ये वीडियो शेयर कर दे, ठीक है जी। चलो आ जाओ, हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, आ जाओ, बहुत हो गया, परेशान हो जाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे पका दिया भाई। सो बेसिकली गाइज मुझे ये कप गिफ्ट में मिला है एंड इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑनर आर हीरोज एंड यहाँ पे टीएवी का द एडवेंचरस वॉयजर्स का लोगो है और नीचे लिखा है मोहम्मद फैजान नलवी। सो बेसिकली यहाँ पे मेरी कुछ फोटोज प्रिंट करी हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, बेसिकली मेरी सारी इंस्टाग्राम की फोटोज हैं। एंड यहाँ पे मेरे लिए दो कॉम्प्लीमेंट हैं, एक है यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासी और दूसरा कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये रहा रूमर। तो दो कॉम्प्लीमेंट हैं और यहाँ पे कुछ फोटोज हैं एंड ये है ऑनर आर हीरोज, तो ये सात लोगों को गिफ्ट दिया है टीएवी ग्रुप ने एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू रिसीव दिस गिफ्ट फ्रॉम देम एंड बहुत ही तहे दिल से इन सबका शुक्रिया जो कि हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, मतलब रिस्पेक्ट है यार इनके लिए। सो इफ टीएवी मेंबर्स यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू रिसीव दिस गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 10 एंड बेसिकली अब हमारा ब्रेकफास्ट एंड सब कुछ यहाँ पर हो चुका है एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू लीव। और ये देखो नीचे ड्रोन है, अभी हमने उड़ाया था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है एंड अब हम यहाँ से सब निकल रहे हैं। और वेदर देखो यार बिल्कुल भी धूप नहीं है और काफ़ी सही वेदर हो रहा है इस टाइम, और बाइक देखो कितनी सारी हैं और वाओ। सो अभी यही सीन है और यहाँ से निकल रहे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब करें मत जाना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।